शाहरुख ने कौन कौन सी फिल्मों को साइन करने से किया मना? कौन सी ऐसी फिल्म है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान कुछ महीनों पहले अपना 56th बर्थडे मनाते हैं। देश विदेश के नामी अवार्ड्स शाहरुख ने अपने नाम किए हैं, लेकिन इन अवार्ड्स को पाने के लिए शाहरुख ने जितनी मेहनत की है वो भी किसी से नहीं छुपी है। शाहरुख खान ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिसे शाहरुख खान ने ठुकरा दी थी और बाद में वो फिल्म सुपरहिट हो गई। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है अब तक की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली है। बॉलीवुड में अभी तक ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसके एक साथ 102 अवार्ड मिले हो। ये फिल्म 14 जनवरी 2000 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने दर्शकों के बीच खूब धमाल मचाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म पहले शाहरुख खान को ऑफर की गई थी, क्योंकि शाहरुख राकेश रोशन के साथ करण अर्जुन और कोयला में काम कर चुके थे, लेकिन शाहरुख ने कहा कि उन पर ये रोल सूट नहीं करेगा और ये फिल्म ठुकरा दी। साल 2009 में आई आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स को किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये फिल्म पहले शाहरुख को ऑफर की गई थी, लेकिन उनके पास डेट्स की इतनी कमी थी कि वो इस फिल्म को साइन नहीं कर सके। बॉलीवुड में जब भी अच्छी फिल्मों का नाम लिया जाता है उसमें आशुतोष ग्वारिकर की फिल्म लगान जरूर शामिल होती है। इस फिल्म में आमिर खान मुख्य भूमिका में थे, लेकिन पहले ये फिल्म शाहरुख को ऑफर की गई थी। कहा जाता है कि शाहरुख ने ही आशुतोष को ये सलाह दी थी कि इस रोल के लिए वो आमिर खान को साइन करें। संजय दत्त का आज दूसरा नाम मुन्ना भाई लिया जाता है, वो भी सिर्फ एक फिल्म की वजह से। सोचिए फिल्म दर्शकों के बीच कितनी पॉपुलर हुई होगी। खैर, अगर शाहरुख खान ने ये फिल्म रिजेक्ट नहीं की होती तो आज मुन्ना भाई वही होते। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपनी फिल्म के लिए पहले शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय से ही संपर्क किया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अनकही बातें शाहरुख खान के बारे में सुनने के बाद? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।